हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल सनी साइंस सेंटर इजी कॉन्सेप्ट। वी वर डिस्कसिंग द लेसन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, दिस इज पार्ट टू। इन दिस पार्ट वी विल डिस्कस अबाउट लिमिटेशंस ऑफ डोबर्नियर स्ट्रेट रूल। ठीक है, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे थे। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में जो सबसे पहले डोबर्नियर्स के द्वारा नियम दिया गया था वो ये था कि सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट है ना, जब उसका हम एवरेज मीन निकालते हैं मास का, देन इट इज इक्वल टू द मास ऑफ मिडिल एलिमेंट। ठीक है, तो उसमें मैंने तीन बताया, एक आपको बताया था और बोला था कि दो आप कमेंट करेंगे, किसी ने कमेंट किया है, तो आज उसके लिमिटेशंस के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए लिमिटेशंस ऑफ डोबर्नियर स्ट्रेट रूल, इसका क्या क्या लिमिटेशन था। तो सबसे पहली बात कि डोबर्नियर्स का यहाँ पे जो लिमिटेशंस आया वो ये था कि ही कुड आइडेंटिफाई ओनली थ्री ट्रेड्स। ठीक है, ही कुड आइडेंटिफाई ओनली थ्री ट्रेड्स, वो सिर्फ तीन ही ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर पाया था। और उस समय 20 एलिमेंट का खोज हुआ था जिसमें सिर्फ और सिर्फ थ्री ट्रेड्स ही पाया था, यानी कि 3 × 3 डैट इज 9 एलिमेंट के बारे में वो पूरी तरह से मतलब सक्सेस नहीं था। दूसरी बात, ही फॉलोड मास नंबर, ठीक है, एटॉमिक मास को फॉलो किया था। इट वाज नॉट सो सक्सेसफुल बिकॉज रूल्स वाज नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, ही कुड आइडेंटिफाई ओनली थ्री ट्रेड्स, ये सिर्फ और सिर्फ तीन ही ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर पाया था। दूसरा बात, ही फॉलोड द मास नंबर, ये मास नंबर को फॉलो कर पाया था, और इट वाज नॉट सो सक्सेसफुल है ना, ये सक्सेसफुल नहीं था क्योंकि उसका जो रूल बनाया था कि एवरेज मीन जब हम निकालते, जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि ली ना के, ठीक है, किसी एलिमेंट को मास नंबर के आधार पर अरेंज करता है इस प्रकार कि फर्स्ट एलिमेंट का जो मास है और लास्ट एलिमेंट का मास है, दोनों का अगर हम एवरेज निकालते हैं तो वो जो है बीच के मास के बराबर आएगा, यानी कि 7 + 39 / 2 दैट इज 46/2 दैट इज 23 है ना, और ए जो 23 है आपका, यहाँ पे इसका मास नंबर आ गया। ठीक है, तो ये मास नंबर फॉलो किया था, इस प्रकार से यहाँ पे निकाला डोबर्नियर स्ट्रेट रूल। उसके अंतर्गत में क्या हो पाया था कि ए जो है अप्लीकेबल ली ना के का सर्वा है ना, मतलब इसका जो ट्रिक है, और कल बाहर आई है ना, इस प्रकार से इसका ट्रिक है, और तीन ही स्ट्रेट्स का खोज कर पाया था। समझ गए, यही था इस प्रॉब्लम में, यहाँ पे इसका लिमिटेशंस यही क्रिएट हुआ। इसके बाद डिस्कस करते हैं न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। सेकेंड जो साइंटिस्ट है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट में वो है न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट है व्हेन एलिमेंट्स वेयर अरेंज्ड in the order of increasing atomic masses, then every eighth element repeat the property of first element, ठीक है।
न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है कि अगर किसी भी एलिमेंट को आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास नंबर के आधार पे अरेंज करते हैं तब जो आठवां जो एलिमेंट है वो पहले की प्रॉपर्टी को मैच करेगा। जिस प्रकार से म्यूजिकल नोट्स होते हैं ना, सारे गामा पा धा नि सा, है ना, तो ये जो सारे गामा का जो म्यूजिकल नोट्स है ना, जैसे सेवेंथ के बाद स को रिपीट करता है, उसी प्रकार से जब एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज किया जाता है तब जो है ये क्या होता है कि हर एट्थ एलिमेंट फर्स्ट की प्रॉपर्टी को मैच करता है। तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे देखिए देखिए इसका जो एटॉमिक नंबर है इसका देखिए क्या होता है, 3 है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो है 11 है, ठीक है। उसी प्रकार से इसका एटॉमिक नंबर 4, इसका एटॉमिक नंबर 12, इसका एटॉमिक नंबर 5, इसका 13, इसका 6, इसका 7, इसका 8 और इसका 9। यहाँ पे 14, 15, 16, 17, ठीक है। गैपिंग लीजिए, गैप जब हम क्रिएट करेंगे यहाँ पे हर एट्थ एलिमेंट रिपीट द प्रॉपर्टीज ऑफ फर्स्ट वन, हर आठवां एलिमेंट फर्स्ट का प्रॉपर्टी मैच करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे ली ना के, तो ली ना के रब कसफर होता है, तो यहाँ पे जो आ जाएगा वो आपका देखेंगे किस प्रकार से क्रिएट होगा। जैसे देखेंगे ली ना के इस प्रकार से होता है, तो इसका हम लोग जानते हैं कि 7 होता है, 3 है, मास नंबर 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 11 होता है, यहाँ पे देखिए पोटेशियम का 19 होता है। जब हम गैपिंग लेंगे यहाँ पे देखिए 11-3 दैट इज 8, उसी प्रकार से यहाँ पे 19-11 दैट इज इक्वल टू 8, मतलब हर एट्थ एलिमेंट फर्स्ट वाला के प्रॉपर्टी मैच करेगा, ठीक है। तो ये हो गया इसके अंतर्गत में। दूसरा आता है, जैसे दूसरा देखिए बे मग का, है ना, बे मग का सरबारा होता है ना, या बेटा मांगे कार सफारी, है ना, बाप राजी, इसका ट्रिक मैं बताऊंगा आपको याद करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए बेरिलियम, इसका जानते हैं आप 4, इसका मैग्नीशियम का होता है 12, कैल्शियम का होता है 20। देखिए यहाँ पे डिफरेंस लेकर के चलेंगे, 12-4 डैट इज इक्वल टू 8, यहाँ पे देखिए 20-12 डैट इज इक्वल टू 8, मतलब हर एट्थ एलिमेंट क्या है प्रॉपर्टीज को मैच करेगा फर्स्ट वाला से, ठीक है। उसी प्रकार से आ जाइए बैगन आलू गाजर, तो बैगन और आलू है, इसका 5 होता है, है ना, आलू यहाँ पे अलूमिनियम है, इसका मतलब 13 होता है। इसको देखिए 13-5 दैट इज 8, ठीक है, यानी फिर 8th वाला फर्स्ट के प्रॉपर्टी मैच करेगा। सिमिलरली आ जाइए वहाँ पे नाना पापा, ठीक है, नाइट्रोजन फास्फोरस, तो यहाँ पे आता है नाइट्रोजन का 7, फास्फोरस का 15, देखिए 15-7 दैट इज इक्वल टू 8, तो हर एट्थ एलिमेंट क्या कर रहा है फर्स्ट का प्रॉपर्टी मैच करेगा, ठीक है। उसी प्रकार से ओ सनम, ठीक है, ओ ऑक्सीजन का 8, है ना, सल्फर का 16, अब देखिए 16-8 दैट इज इक्वल टू 8, ठीक है। उसके बाद देखिए फिर कल फ्लोरीन का 9 होता है, ठीक है, और क्लोरीन का कितना होता है 17 होता है, देखिए यहाँ पे 17-9 दैट इज इक्वल टू 8, मतलब हर एट्थ एलिमेंट क्या कर रहा है रिपीटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। इसी का यही है, देखिए क्या क्या देखे हम लोग, दो वर्नियर स्ट्रेट रूल में क्या बताया था, सिंपली सबसे पहले पीरियोडिक टेबल होता क्या है, तो पीरियोडिक टेबल जानते हैं हम लोग, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन
18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड है ना। अरेंजमेंट को एलिमेंट को अरेंज करना कितने भागों में, 18 ग्रुप में और 7 पीरियड में, क्या कहलाता है, पीरियोडिक टेबल कहलाता है। ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन जो है वो पीरियड को रिप्रेजेंट करता है और वर्टिकल लाइन जो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करता है। इसमें सबसे पहला साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन था वो है डोबर्नियर्स। डोबर्नियर्स क्या बताया कि व्हेन वी अरेंज एलिमेंट इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेज है ना, मासेज के आधार पर जब हम अरेंज करते हैं इस प्रकार से कि 3 एलिमेंट के पहले वो समूह बनाया था, तो क्या बताया कि मीन ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट इज इक्वल टू द मास ऑफ सेकेंड एलिमेंट। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, 3 को वो ट्रेड्स खोज कर पाए थे। पहला था ली ना के, दूसरा का है का सरबा, और थर्ड है आपका कल बाहर आई, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। ठीक है, तो ये 3 ही ट्रेड्स बनाए थे, डेट इज इक्वल टू 9 एलिमेंट्स के ही बारे में, और उस समय 20 एलिमेंट खोज हो पाया था और सब पे जैसे कि रूल होना चाहिए तो सब पे अप्लाई होना चाहिए, इसलिए उनका फिलोसफी ये जो सिद्धांत था ये रूल था, मतलब क्या हो गया था, सब पे अप्लीकेबल नहीं हुआ था, तो उनका कुछ लिमिटेशंस है। तो वो कौन कौन सा लिमिटेशन है, तो वो बता रहा है ही कुड आइडेंटिफाई ओनली 3 ट्रेड्स, वो सिर्फ 3 ही ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर पाए थे। फिर ही फॉलोड मास नंबर, वो मास नंबर को फॉलो किए थे, इट वॉज नॉट सो सक्सेसफुल, ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हुआ था है ना, क्योंकि ये रूल जो है सब पे अप्लीकेबल नहीं था। इसके बाद देखिए न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉज ऑफ ऑक्टेव क्या कहता है कि व्हेन एलिमेंट्स वेयर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जब एलिमेंट को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे अरेंज करते हैं, देन एवरी 8th एलिमेंट रिपीट द प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, है ना, हर 8th एलिमेंट जो है वो फर्स्ट का प्रॉपर्टी मैच करेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से इसका प्रॉपर्टी मैच कर रहा है। ठीक है, तो इसका जो लिमिटेशन हो जाता है, इसमें भी सेम लिमिटेशन आ जाते हैं। ये क्या होता है कि he followed mass number, है ना, यहां पर भी यही बात है, he followed mass number, followed mass number, ये भी mass number को ही, जब तक मॉडर्न में नहीं प्रवेश करते, यानी मोस्टले ही था जो एटॉमिक नंबर को पीरियोडिक फंक्शन माना था। बाकी ये जो है ना, न्यूलैंड्स, मेंडलीव्स, ये जितना भी क्लासिफिकेशन किया गया है, ये सब बताया कि नहीं, पहले मास नंबर को ही प्रायोरिटी दिया जाए, उसी के अंतर्गत में काम कर रहे थे। ठीक है, ही फॉलोड मास नंबर। फिर उसके बाद बताया था क्या, ही ईट वर्क्स अप टू कैल्शियम ओनली, ईट वर्क्स अप टू कैल्शियम ओनली। ठीक है, ये जो बात हुआ था, हर 8 एलिमेंट प्रॉपर्टी जो मैच करेगा वो यहाँ पे अप्लीकेबल हुआ था सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम तक, और उस समय 56 एलिमेंट जो है खोज हो चुका था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ था कि सेवरल न्यू एलिमेंट, सेवरल न्यू एलिमेंट, न्यू एलिमेंट्स वेयर डिस्कवर्ड, वेयर डिस्कवर्ड व्हिच डज नॉट सूट। ठीक है, बहुत सारा न्यू एलिमेंट का खोज हुआ था जो कि सूट नहीं कर पाया था। Several new elements were discovered which does not suit, है ना, माने कि वहाँ अलग अलग नया एलिमेंट का खोज हुआ था जो सूट नहीं कर पा रहा था। उसके बाद क्या था, आयरन, आयरन का खोज हुआ था, आयरन which resemble the property of cobalt and nickel was placed far away from। ठीक है, मतलब आयरन जो प्रॉपर्टी मैच करता है कोबाल्ट और निकल के साथ, इसको बहुत दूर पे प्लेस कर दिया गया था। तो ये क्या था कि इसका भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। सो दिस इज ऑल अबाउट द टॉपिक, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन।